अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की मदद से फ्री एआई इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे गूगल ओपन कर लिया है, आपने यहां पे बस कोपायलट लिखना है या आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी लिख सकते हैं। यहां पे मैंने जो फर्स्ट वन लिंक है उसको क्लिक कर लेना है। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये कोपायलट यहां पे आ चुका है और यहां पे वो लिखा हुआ है जी आस्क मी एनीथिंग। ये एक चैट जीपी की तरह ही एक हमारे पास एआई असिस्टेंट है और एआई कंपेनियन भी को कह सकते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिएगा ये लिखा है कि व्हाट आर द 10 मेन जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। तो इस तरह के आंसर जिस तरह आप चैट जीपीटी पे कर सकते हैं, ये तो ये कोपायलट के ऊपर भी आप इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे कि विंड टर्बाइन सर्विस टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इसने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है। तो इसी पे आप इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। इधर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, प्लीज जनरेट एन इमेज ऑफ पाकिस्तानी विलेज। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है वो सेट करता हूँ तो ये देखिएगा ये हमारे पास कैसे आंसर आता है। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा साइन इन टू क्रिएट इमेजेस, वो कह रहा है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे क्रिएट आईडी बना सकते हैं। आपने पहले से अगर माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इसी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी वगैरह दे सकते हैं। मैंने लॉगिन बनाया हुआ है, मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मैंने ये लॉगिन कर लिया हुआ है और फर्ज करें मैं अब यहाँ पे मैं वही प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ तो हम देखते हैं। अच्छा, उससे प्रॉम्प्ट लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखें ये लोगों ने जो प्रॉम्प्ट्स लिखी हुई है उसका कुछ रिकॉर्ड भी नजर आ रहा है, जैसे ऑर्गेनाइज द लास्ट 10 इयर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनिक। कुछ इमेजेस भी लोगों ने जनरेट की हुई है तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। प्लीज जनरेट एन इमेज ऑफ पाकिस्तानी विलेज, मैं करके इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किस तरह की इमेजेस जो है वो दी हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स ही लेगा। तो ये देखिएगा इसने शो कर दिया योर इमेज इज जनरेटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें इमेज शो हो जाएगी। ये चार इमेजेस जनरेट करेगा, आप कोई उसमें से एक चूज कर सकते हैं, डाउनलोड आप सारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चार बड़ी अमेजिंग किस्म की पिक्चर जो है वो शो हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर्ड बाय डाल-E3। डाल-E3 एक मॉडल है वो इसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये इमेज आपके पास जनरेट हो गई है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या मुझे अगर ये पसंद नहीं आती तो मैं दूसरी वाली भी चूज कर सकता हूँ। यहाँ से ये वाली देख लीजिएगा, ये देखिए कितने जबरदस्त जो है वो उसके ग्राफिक्स भी हैं। तो मैं इसको अगर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ से तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसे डबल क्लिक किया जैसे ही तो ये इमेज मेरे पास ये शो हो गई है। ये देखिएगा कितने अच्छा इसने जल्दी से हमें शो कर दिया। इसी तरह से मैं एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दी है प्लीज जनरेट एन इमेज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम स्पेस। तो हम इस पे देखते हैं कि किस तरह की इमेज आती है। तो मैं जल्दी से सबमिट कर देता हूँ तो हम वेट करते हैं कि किस तरह की इमेज आती है। अच्छा दोस्तों, मैंने सेकंड प्रॉम्प्ट दी थी लेकिन उसने अपोलोजाइज कर लिया कि इस तरह की इमेज वो नहीं जनरेट कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और इसको इमेज दे देते हैं, जनरेट एन इमेज आर्टिस्टिक ऑफिस टेक कंपनी वर्किंग विद कंप्यूटर्स। तो चले मैं इसका करके देखता हूं क्या ये जनरेट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो जी ये जनरेट कर रहा है, यहां पे आप देखिएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये जनरेट कर दी है 4 इमेजेस। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि कितनी जबरदस्त इमेज, ये देखिएगा उसने काफी कम्प्लेक्स इमेज लगा दी है। ये भी एक इमेज जनरेट हुई है और इसके बाद ये भी इमेज है। आप इसको मजीद जो है वो प्रॉम्प्ट देके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो, अच्छा दोस्तों, आपके पास यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो है जो यहाँ पे राइट साइड पे देखिएगा तो यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, जो कि विंडोज के अंदर से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखिएगा सेम तरह की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन ये एज एन ऐप विंडोज के अंदर है। तो मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो लिख सकता हूँ प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट में भी मैं आंसर ले सकता हूँ, इमेज में भी ले सकता हूँ। जनरेट एन इमेज ऑफ ब्लू कलर मैंगोस, लेट्स सी ये जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये देखिएगा ये जनरेट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इसका कितनी कैपेबिलिटीज है। तो दोस्तों ये देखिएगा उसने ब्लू कलर के मैंगोज जो है वो जनरेट कर दिए हैं हमें। तो हम इसको देख सकते हैं इस तरह से ब्लू कलर के आपके सामने। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि ब्लू कलर के मैंगोज वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन ये मैंने आपको जनरेट करके दे दिए हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी लिख लिया है यहाँ पे, तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये जनरेट कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं योर इमेज इज जनरेटिंग लिखा हुआ आ चुका है। तो लेट्स सी ये किस तरह की इमेज जनरेट करता है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त किस्म की इमेजेस जनरेट हो गई हैं, ये आप देख रहे हैं। ये देखिएगा ये अब उसने एग्जैक्टली तो नहीं कर सका, मैंने कहा था कि व्हीकल्स के तौर पर व्हेल्स होने चाहिए, लेकिन ये जो है वो सॉरी डॉल्फिन होने चाहिए, लेकिन ये डॉल्फिन तो हैं।
तो ये देखिएगा, ये रोड के साथ जो है वो पानी में डॉल्फिन्स जा रही हैं, लेकिन रोड के ऊपर व्हीकल्स भी हैं। इस तरह से ये देखिएगा, ये रोड के ऊपर ही हैं आपके पास। तो आप इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रीव्यू है, या इसकी जो आप ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका प्रो वर्जन भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज़ चाहिए, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करके देख सकते हैं। बरला फ्री इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको करके दिखाई हैं। अच्छा, दूसरा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप इसकी ऐप भी है जो कि आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिएगा, मैं क्योंकि कंप्यूटर पे बना रहा हूँ दैट्स वाई वो नहीं आ रहा, लेकिन आपको, आप ऐप स्टोर पे जाके इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप सेम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इमेजेस अपने मोबाइल फ़ोन पर भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।